खरगोन जिले के ग्राम बलवाड़ी में अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासनिक महकमे ने मौके से एक डंपर और एक ट्रैक्टर जब्त करके बड़ी कार्यवाही की है, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सरपंच द्वारा शिकायत आवेदन पत्र देने के बाद एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया है। इस दौरान तहसीलदार महेंद्र सिंह दांगी ने दो वाहनों को जब्त किया। वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा नेता रसूख के दम पर लंबे समय से शासकीय जमीन पर मुरुम उत्खनन करके शहर की कॉलोनियों में सड़क निर्माण कार्य कर रहा था। इसी बीच सरपंच द्वारा एसडीएम को शिकायत करने पर वाहन की जब्ती की इस कार्यवाही को अंजाम देकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की आप यहाँ पहुँचे बलवाड़ी पंचायत में? आज ये ग्राम बलवाड़ी में शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा था, जिस पे हम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मौके पर पहुंचे, जिसमें पोकलेन मशीन और एक डंपर मुरम से भरा हुआ ये जब्त किया गया और इसे जब्त कर हम थाना मेलगांव में अभिरक्षा में पहुँचे। सर, इसके अलावा भी और कई कार्रवाई चल रही है? ये हमने कार्रवाई के लिए हम आगे वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम साहब को भेजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।